नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पशुओं में दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो हमने जब कुछ किसान पशुपालक भाइयों से इन सब के बारे में बात करना चाहा, तो जो मुख्य समस्याएं हमें पशुओं में देखने को मिली उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब ने हमारी पोस्ट पर भी पढ़ा होगा कि जीवन भर आपका पशु कभी बीमार नहीं होगा, और यह बात 100% सत्य है। यदि आप आयुर्वेदिक वैदिक परंपराओं के अनुसार, अपने बताए हुए पूर्वजों के अनुसार, अपने बड़े बुजुर्गों के अनुसार अपने पशुओं का पालन पोषण करते हैं, तो आपका पशु जीवन भर कभी बीमार नहीं होगा। आजकल जो मुख्य कारण पशुओं की बीमारी का और पशुओं की तबाही का जो मुख्य कारण है, वह एलोपैथी की दवाइयां और यूरिया डीएपी का खाना हो चुका है। यूरिया डीएपी के जहरीला अनाज और एलोपैथी जैसी भयंकर दवाइयां ने पशुओं का शरीर और मानव का शरीर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, तहस नहस कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं पशुओं की अलग अलग समस्याओं के बारे में। हमारा पशु कई बार फूल पीछा दिखाने लग जाता है, जिसका मुख्य कारण होता है पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी। हमारा पशु कई बार फूल पीछा दिखाता है विटामिन सी की कमी से। हमारा पशु जेर नहीं डालता है, अच्छी प्रकार से डिलीवरी नहीं करता है। इन दोनों बीमारियों का जो मुख्य कारण होता है, अच्छी प्रकार से डिलीवरी ना करना और सही से जेर ना डालना, उसका जो मुख्य कारण होता है वह पशु के अंदर कैल्शियम की कमी होता है। और जो दूसरा कारण होता है, पशु के अंदर लुब्रिकेशन की कमी, यानी कि हम अच्छी प्रकार से पशु को ब्याने से पहले तेल, पानी, घी वगैरह अच्छी प्रकार से उसकी फीडिंग करते हैं, अच्छी प्रकार से उसका फीड मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारे पशु में यह सब समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। कई बार डिलीवरी के बाद पशु मेला छटाव कल से नहीं चलता है, जो पशु के अंदर इन्फेक्शन होता है, जो 12-13 दिन के डिलीवरी के बाद पशु सफाई जिसकी अंदरूनी तौर पर करता है, अंदर से सफाई करता है, जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है डिलीवरी के दौरान पशु की बच्चेदानी के अंदर रह जाता है, उसकी जो सफाई होती है वह 12-13 दिन के बाद पशु करता है। कई बार मेला छटाव कल इन्फेक्शन की सफाई भी पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारा पशु समय पर हीट में नहीं आता है। और बहुत सारे पशुओं में तो ऐसा पाया गया है कि जो पशु फूल पीछा दिखाते हैं या प्रोलैप्स को, फूल पीछा बच्चादानी को पूरी तरीके से बाहर फेंक देते हैं, उन पशुओं में समय पर हीट में ना आना और रिपीटर बन जाना, या फिर पूरी तरीके से जिंदगी भर कभी माँ ना बनना, दुधारू पशुओं में ये समस्या पाई गई है कि वह पशु जिंदगी भर कभी माँ नहीं बन पाते हैं और बांझपन की समस्या उनमें आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। इन सभी समस्याओं का जो मुख्य कारण हमने सर्वे के दौरान पाया, वह मुख्य कारण था कि पशुओं में कैल्शियम की कमी। और कैल्शियम की कमी बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि पशुओं के शरीर का जो आधार होता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक घर की नींव उसके निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती है, उसी प्रकार से पशुओं की बच्चादानी, पशुओं के शरीर, पशुओं का शारीरिक विकास, पशुओं का अच्छा दूध देना, पशुओं के दूध में फैट की मात्रा का बढ़ना, पशुओं के दूध में SNF का बढ़ना और पशुओं की ग्रोथ होना, पशुओं की हाइट का, पशुओं की लंबाई का, पशुओं की चौड़ाई का, पशुओं की हष्टपुष्टता, मोटे तगड़ेपन का जो मुख्य राज होता है, जो मुख्य कारण होता है, वह कैल्शियम की कमी होता है, जो उसके आधार होता है वह कैल्शियम की कमी होता है। क्योंकि जब तक पशु की हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी, तो आप यह कैसे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आपका पशु पूरी तरीके से मजबूत है। बांझपन वाले पशुओं में एक समय पर ऐसी स्टेज आ जाती है कि झरने की तरह उनकी हड्डियां दूध में पिघलना शुरू हो जाती हैं और पशु पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, पशु पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और आखिरकार हमें उसे स्लॉटरिंग के लिए सप्लाई करना पड़ता है। तो जो मुख्य दवाई कैल्शियम के लिए हम अपने पशुओं के साथ यूज कर सकते हैं, वीडियो में आप सब देख सकते हैं, साथ साथ में मैं अपनी भैंस को नित्य प्रतिदिन चूना पिलाता हूँ। इस चूने का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। यह वही चूना होता है जो पान बनाने वाला पान के पत्ते के ऊपर लगा करके हमें खाने को देता है। जब मनुष्य इसको खा सकता है, तो आखिरकार पशु इसको क्यों नहीं पी सकता है। जो इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण हम अपनी वीडियो में हमेशा देते हैं,
पहले के जो पशु होते थे, यानी कि आज से पहले हमारे बुजुर्गों के समय जब पशुपालन किया जाता था, तो हमारे बुजुर्ग तालाबों में, पोंड्स में पशुओं को लेकर के जाते थे नित्य प्रतिदिन, जिसके अंदर चूने के पत्थर की छोटी छोटी कंकर पाए जाते थे, छोटे छोटे स्टोन्स पाए जाते थे। और जब पशु पोंड में, तालाब में एंट्री करता था, उसके अंदर प्रवेश करता था, तो जो स्टोन्स होते थे वह पिघल कर पानी के अंदर शामिल हो जाते थे और पशु उसको पीता था, तो पशु के अंदर किसी प्रकार की कमी, कैल्शियम की कमी नहीं रहती थी। लेकिन आजकल हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार यदि आप अपने पशुओं को नित्य प्रतिदिन चूना पिलाते हैं, इस चूने की मात्रा 5 से 6, 6 से 7 गेहूं के दाने के बराबर हो सकती है। पान में लगाए जाने वाला चूना 6 से 7 गेहूं के दाने के बराबर, यदि नित्य प्रतिदिन आप अपने पशुओं को एक बाल्टी पानी में भरकर एक दिन में एक बार भैंस को पिला देते हैं, उसके बाद आप चाहें वैसा पानी पशु को पिलाएं, क्योंकि पानी का मतलब होता है मिनरल्स। अक्सर हमने टीवी में एड्स के जरिए देखा है कि मिनरल वाटर, यदि हम मिनरल वाटर पी सकते हैं तो हमारा पशु क्यों नहीं विटामिन वाला पानी पी सकता है, क्यों नहीं हमारा पशु कैल्शियम वाला पानी पी सकता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने पशुओं को अच्छा, स्वस्थ, गुणकारी, लाभदायक पानी पिलाएं, चूने का पानी पिलाएं, क्योंकि 5 लीटर पानी से ही 1 लीटर दूध तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी पशुओं के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए आप अपने पशुओं को चूने का पानी पिलाएं। चूना बहुत ही सस्ता पड़ता है, द चीप एंड द बेस्ट कैल्शियम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स, यह है दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यह कैल्शियम, इसको माना जाता है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका भी मानना है कि यदि आप अपने डेयरी में अपनी जो खोर खुरली होती है दूध पानी पीने के लिए पशुओं की, दुधारू पशुओं के पीने के लिए खोर खुरलियाँ बनाई जाती हैं, तो उन खोर खुरलियों में यदि आप चूने की लिपाई कर देते हैं, चूने की पुताई कर देते हैं और उसके बाद उसमें पानी भर करके पशुओं को पिलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आपके पशु हष्ट पुष्ट बनता है, आपका पशु बहुत ज़्यादा दूध देता है, आपका पशु लंबे समय तक दूध देता है। पशुओं के लेवटी अडर का विकास करने के लिए 20 से 30% यदि किसान मेहनत करता है, तो आपके पशु की 20 से 30% यानी कि 10 लीटर वाला दूध, 10 लीटर दूध वाला पशु आपका, यदि कैल्शियम आप उसको पिलाते हैं तो वह 12 से 13 लीटर तक दूध देता है। 20 लीटर वाली भैंस 24 लीटर दूध देती है, 15 लीटर वाली भैंस 18 लीटर तक दूध दे सकती है। और गायों की यदि हम बात करें तो वह इससे, जो HF और जर्सी काउज हैं, वे इससे 5 लीटर तक दूध बढ़ा जाती हैं। तो इतना ज़्यादा ताकतवर ये होता है, इससे पशु लंबे समय तक दूध देता है। इससे 10% फैट वाली भैंस के नीचे 12 से 13% फैट निकलता है, 2 से 3% फैट में भी इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है। जो लेवटी अडर का साइज होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। कटड़े बछड़ियों की हाइट का, ग्रोथ का जो टॉप कारण होता है वह भी कैल्शियम की कमी होता है। तो आप अपने पशुओं की हाइट को, ग्रोथ और पशुओं के शरीर का विकास भी कैल्शियम की कमी को दूर करके कर सकते हैं। आप अपने कटड़े बछड़ियों को भी चूना पिला सकते हैं और ताकि उनकी अच्छी प्रकार से ग्रोथ आप कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने किसान पशुपालक भाइयों तक।